अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद खान और इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि जामिया इस्लामिया में कुछ इलेक्ट्रिक केबल्स वगैरह के चेंजिंग के लिए टेंडर आया हुआ है। आप टेंडर अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं आपसे, और इसका लास्ट डेट कब है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट डेट वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए एक बार आपको डिस्प्ले पे दिखाता हूँ, उसके बाद डिस्कशन। देखिए हम लोग डिस्प्ले पे आ गए, नोटिस इनविटेशन ई टेंडर के लिए है, ठीक है। एसी के लिए इसको एक बार आप देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, क्योंकि वीडियो लेंदी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। क्राइटिकल डेट सीट के बारे में बात करें, पब्लिशिंग डेट 26 जुलाई को है। बिड डॉक्यूमेंट डाउनलोड 26 जुलाई से ही है। एस्टिमेटेड कॉस्ट 1,49,860 रुपये का है। कंप्लीशन टाइम 20 दिन का दिया गया है। बिड सबमिशन स्टार्ट 27 जुलाई से है। बिड सबमिशन एंड डेट 1 अगस्त है। 1 अगस्त को बिड का सबमिशन डेट खत्म हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ बिडिंग का 2 अगस्त को दिया गया। ओपनिंग बिड का डेट 5 अगस्त को रखा गया, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये आपके पास क्या क्या होनी चाहिए आप इसमें देख सकते हैं, डिस्प्ले में स्टडी कर सकते हैं। एक के मोटा मोटी बताएं, पेन नंबर होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, यानी ITR होना चाहिए, क्लीनर्स भी बोलते हैं, GST होना चाहिए, लेटेस्ट ITR होना चाहिए, ESIC रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, EPF रजिस्ट्रेशन में पावर अटर्नी होनी चाहिए, वैलिड इलेक्ट्रिक लाइसेंस होनी चाहिए आपके पास। प्राइस बिल्ड में इसमें सारे डिटेल आएगा, उसके बाद आपको अपने यहाँ पर साइन करना है। ऊपर को जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में स्टडी कर लेना, कि कोई भी आपका डेट में क्लेम किसी को ना कर सके कि आपको चीज़ें ये नहीं समझ में, आपको लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, इसको स्टडी कर लेना। टेंडर एक्सेप्टेंस लेटर ये आपको टू बी गिवन एन कंपनी लेटर है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको साथ में स्टडी कर लेना। अब इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे करेंगे, उसके ऊपर बात करूँ। फर्स्ट पेज में आएंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ टेंडर डॉक्यूमेंट में भी डाउनलोडेड फ्रॉम द CPP साइट, तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे लिंक पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहाँ से फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वीडियो में बता दूंगा कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। उम्मीद करूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं साजिद खान।